उत्तर प्रदेश जिला बरेली में आयकर बैंक जीएसटी में खामियों से संबंधित उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। डीएम साहब को ज्ञापन देने आई हैं, जिसमें हमारा मेन है कि आयकर टीडीएस जीएसटी एवं बैंकिंग की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके इसको उस माध्यम के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ पे माननीय सीतारमण जी के नाम है और व्यापारियों की समस्या जो है, हालांकि केंद्र सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है लेकिन कुछ अभी जीएसटी में खामियां हैं, बैंक की जो समस्या है और टीडीएस को लेकर बहुत समस्या है। उसमें जो है जैसे बैंक वाले जो हैं आज की तारीख में सिक्के जमा नहीं। दूसरी चीज़ जो है कि जीएसटी में जो काफ़ी कुछ हद तक सुधार हो गया लेकिन अभी भी बहुत सारी खामियाँ हैं जिनको दूर करना अति आवश्यक है। तो हमारा आपसे अनुरोध यह है कि आपके माध्यम से ये ज्ञापन जो है माननीय सीतारमण जी के पास तक पहुँचना चाहिए। ये ज्ञापन मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहूँगा। दिए हाँ भैया, आज जो है हम लोग माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को एक ज्ञापन देने आए थे। ये हमारा प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है। हालांकि केंद्र सरकार जो है व्यापारी हितों में काफी काम कर रही है लेकिन व्यापारी आज भी बहुत परेशान है। केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के कारण आज की तारीख में व्यापारी जो है भुखमरी की कगार पर पहुंच रहा है। जैसे कि टीडीएस है, बैंकिंग प्रणाली है, हाइडल की समस्याएं हैं। आज की तारीख में रोजगार कम होते जा रहे हैं और सरकार के द्वारा कर बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली व्यवस्था का आप देखिए कि मैं ये मानता हूँ कि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली व्यवस्था सुचारू चल रही है लेकिन आपने जो है उसके ऊपर शमन शुल्क बढ़ा दिया। आपने पहले बिजली चोरी में शमन शुल्क जो हुआ करता था वो केवल एक महीने का लिया जाता था, आज की तारीख में एक साल का लिया जा रहा है। बैंकों से संबंधित समस्या है कि आज की तारीख में अगर व्यापारी रेजगारी को जमा करने जाता है तो उसे इस तरह परेशान कराया जाता है कि जैसे वो रेजगारी जो है देने नहीं भीख लेने आया हुआ है। तो हमारी माननीय सीतारमण जी से यही मांग है कि इन सब चीज़ों में सुधार लाया जाए। जीएसटी में अभी भी खामियां हैं कि जिनको काफ़ी हद तक तो सुधार लिया गया है लेकिन अभी भी काफ़ी खामियां हैं कि जिनका सुधार की बहुत अति आवश्यकता है और हमें माननीय वित्त मंत्री से उम्मीद है कि इन सुधारों को वो अवश्य करेंगी और वो अगर सुधार नहीं करती हैं तो ये प्रदेशव्यापी आंदोलन जो है देशव्यापी हो जाएगा। तो हमारी उनसे यही मांग है कि इनमें सुधार की जो आवश्यकता है वो सुधार करें। हमारी कल महिला इकाई का गठन हुआ है और मैं स्वप्निल शर्मा महिला इकाई की अध्यक्ष। यहाँ पे हम सब यहाँ मेन आपका जो व्यापार मंडल है उनके साथ महिला इकाई भी आज ज्ञापन देने आई है। व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं जीएसटी को लेकर और बाकी चीज़ों को, जैसे कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि रोज़गार का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, रोज़गार सच में अभी नहीं उपलब्ध है और इस पे जीएसटी और डाला जा रहा है, अलग अलग तरीके के कर वसूले जा रहे हैं जिसकी वजह से जो छोटे व्यापारी हैं उनको तो बहुत ही दिक्कत हो रही है और बैंकों की प्रणाली भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, जहाँ पे ये लिमिट कर दिया गया है कि आप इतना जमा कर सकते हो या इतना ही निकाल सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए हम सब यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और मेरे साथ पूरी महिला इकाई भी आई हुई है और इस चीज़ को हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निवारण हो ताकि हम अपनी बातों को आगे रख सकें, सही से काम कर सकें।